नमस्कार, समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। रुख करते हैं झांसी की खबरों पर। नंबर प्लेट बदलकर खनिज विभाग की टीम कर रही थी चेकिंग। टीम प्राइवेट गाड़ी से अवैध खनन कर रही गाड़ियों की चेकिंग। एसडीएम सदर निधि बंसल भी मौके पर पहुंचे। विनोद बाबू को एसडीएम ने पकड़ा। एसडीएम ने निर्देश देकर कहा, कोई भी प्राइवेट गाड़ी हो लेकिन उसके नंबर सही होने चाहिए। ग्वालियर कानपुर बाईपास पर टीम ने की चेकिंग। झांसी खनिज विभाग की तरफ से अवैध खनन, अवैध परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए लगातार चेकिंग की जाती है। इस चेकिंग की आड़ में मनमानी हो रही थी, लापरवाही की जा रही थी। यह बात बुधवार की शाम उस वक्त साफ हुई जब एसडीएम सदर निधि बंसल ने औचक निरीक्षण किया। बावजूद इसके खनिज विभाग अब भी अपनी नंबर टेपिंग की बात को स्वीकार नहीं कर रहा है और यह कह रहा है कि उसे गाड़ी के नंबर प्लेट पर ग्रीस लगी हुई थी। हालांकि मामले की जाँच जारी है और संबंधित गाड़ी को हटा दिया गया है। इसके साथ ही कड़े निर्देश जारी कर दिए गए हैं जिससे कि इस तरह की बात दोबारा सामने न आए। कल एक्चुअली हमारा बजरंग चौकी के पास से निकलना हुआ था, तब हमने देखा कि वहाँ बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो रखी है। कुछ बालू के और मिट्टी के भी ट्रक खड़े हैं। जब हमने उतर के जानकारी ली तो वहाँ खनिज विभाग की टीम जांच कर रही थी और छापा मारा था। उन्होंने उस छापे में कुछ 4-5 गाड़ियाँ भी पकड़ी थी। एक गाड़ी तो हमारे सामने ही चालान कटा था ओवरलोडिंग का और बिना रॉयल्टी का। तो ये सारी कार्रवाई चल रही थी। इसी बीच एक बुलेरो गाड़ी खड़ी थी जिसको उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ था और उसके आगे वाली नंबर प्लेट के साथ कुछ छेड़खानी दिखी थी हमें। तो जब पता किया कि ये गाड़ी किसकी है तो खनिज विभाग वालों की ही थी। जब पता करवाया कि ये ऐसा क्यों है तो खनिज विभाग वालों ने बताया कि मैडम हमने तो इस पर ध्यान नहीं दिया है। तो उसी टाइम पर फिर ड्राइवर से पूछा गया तो वो थोड़ा भौंकला गया। तो हमने फिर तुरंत खनिज विभाग वालों को निर्देशित किया कि इस गाड़ी को तुरंत विभाग से हटाएं क्योंकि वो गाड़ी प्राइवेट उन्होंने हायर की हुई थी। और फिर अभी हम जो कार्रवाई करेंगे वो ड्राइवर और उसके ओनर के खिलाफ करेंगे। यही अभी तक की कार्रवाई हुई है। सर, अक्सर ये देखा जाता है कि नंबर प्लेट बदल के भी वाहनों से खनन किया जाता है या अन्य आपराधिक कार्य किए जाते हैं, तो ऐसे क्या चेकिंग है कि अभियान चलाया जाएगा? हाँ, बिल्कुल चलाया जाएगा। जैसे आपको पता है कि हमने 4-5 महीने पहले भी ये कार्रवाई की थी जब नंबर प्लेट से छेड़खानी की गई थी। इवन काफ़ी FIR भी हुई थी इस अपराध के लिए। तो अभी क्योंकि द्वारा से बात फिर उठी है तो फिर से आगे अभियान चला के इसको किया जाएगा। उपलब्ध है 750 स्क्वायर फीट में डबल स्टोरी होम जिसमें आपको मिलेगा 5 रूम, 2 किचन, 2 टॉयलेट, बालकनी, पोर्च, फ्रंट एंड बैक साइड, वेल मेंटेन रोड, JDA अप्रूव्ड, न्यूगेशियबल प्राइस 50 लाख। एड्रेस है जावेद अनवर, सीपी मनीष इलेक्ट्रॉनिक वाली लेन में, आर्य समाज मंदिर के पास, सीपी बाजार, झांसी। कॉन्टेक्ट नंबर 8299006312।